हेलो बेटा, आज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम प्रेजेंट टेंस में शुरू हो और वो काम चलता रहे, ठीक है। जैसे कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, तुम खा रहे हो, मैं पत्र लिख रहा हूँ, इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि वो काम क्या हो रहा है? कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। अब इसमें इसके रूल समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेंटेंस के लास्ट में यानी कि वाक्य के अंत में क्या दिखेगा बेटा? रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, ठीक है। ये अगर बेटा आपको वाक्य के अंत में दिखता है तब वहां पे क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक पत्र लिख रहे हो, ठीक है। अब देखिए, तुम एक पत्र लिख रहे हो तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मैं घर जा रहा हूँ, वे मैदान में खेल रहे हैं। सबके लास्ट में क्या हो गया? रहा है, रही है, रहे हैं। अब रूल्स क्या है बेटा? रूल्स ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है क्या है? ये चीज़ें जो हैं क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? सब्जेक्ट, तुम, मैं, वे, कर्ता, यानी कि जिसके लिए सेंटेंस बना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या है उसके बाद? अब रूल में क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ठीक। अब ये कहाँ लगेगा? अगर तुम आएगा तो आर लगेगा, ठीक है। इसको आप समझिए, आई अब इसको आप बेटा समझिए, यू या प्लूरल, प्लूरल यू, और अगर प्लूरल होगा तो वहां पे क्या लगेगा बेटा? वहां पे लगेगा आर। वहां पे क्या लगेगा? आर लगेगा। अगर आई होगा, आई, तो उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ लगेगा एम। अगर बेटा सिंगुलर होगा, किसी का नाम होगा, जैसे ही, शी, और किसी का नेम, तो उसमें क्या लगेगा बेटा? उसमें लगेगा इज। क्या लगेगा? इज लगेगा। ये देखिए बेटा, यू और प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट, और किसी का भी अगर नाम होगा तो उसमें क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। इतनी चीज देखिए बेटा। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब लगाना है। सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लग जाएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है और यू है तो आर लगेगा। प्लस वर्ब, वर्ब क्या है? लिखना, जाना, खेलना, ये सब क्या है? ये सब वर्ब हैं। क्या है ये सब? वर्ब हैं। वर्ब में क्या लग जाएगा? आई एन जी लग जाएगा, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, तुम एक पत्र लिख रहे हो तो क्या होगा? यू आर
यू आर लगेगा यू के साथ, यू आर राइट में एनजी लगा दीजिए, राइटिंग अ लेटर, ठीक है। देखिए यू आर राइटिंग अ लेटर, मैं घर जा रहा हूं, आई के साथ क्या लगेगा बेटा, एम लगेगा, आई एम गो टू होम फुल स्टॉप। वे मैदान में खेल रहे हैं, दे दे के साथ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक। ये देखिए हो गया। आप देखिए क्या करते हैं, अब आगे बढ़िए। बेटा अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें क्या होगा, उसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सिर्फ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो तो क्या हुआ, सिर्फ वही सब रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट, यानी तीसरे नंबर पे आपको नॉट लगाना है। कौन से नंबर पे लगाना, तीसरे नंबर पे, गिन के तीसरे नंबर पे लगाना है। जैसे यू आर नॉट, बाकी सब वही लिख दीजिए, राइटिंग अ लेटर। बात समझ में आ रही है बेटा, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। You are not writing a letter. मैं तुम्हारा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा, I am not doing योर वर्क, योर वर्क। बेटा देखिए समझ में आया, ठीक है। वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या होगा, दे तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा, दे आर Not going to school, ठीक है। देखिए आगे बढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिसमें क्वेश्चन हो, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, देखिए क्या तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है, क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो इसमें सिंपल क्या करना है बेटा, इसमें सिंपल ये करना है, देखिएगा इसमें सिंपल ये करना है बेटा कि ये इज एम आर, इसको यहां से उठाएंगे और यहां से यहां पे ले आएंगे, कहां ले आएंगे, ठीक है,
इसको क्या करेंगे, यहां पे ले आएंगे। इस एमआर को पहले ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम है तो आर लगेगा, ये याद रखिए, आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक, क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना ना भूलिएगा, आर यू गोइंग टू मार्केट। एक तो ये हो गया बेटा जो क्वेश्चन पूछा है, आप जैसे तुम क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या वे कपड़ा धो रहे हैं, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, तुम किस, ठीक है, ये तो क्या हो गया, क्या से शुरू हो रहा है जो, ठीक है, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। अगर इस तरीके का सेंटेंस हो, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है, डब्ल्यू एच टाइप से बोलते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो डब्ल्यू एच टाइप को जो है पहले लिख देंगे, फिर बाकी सारा लिख देंगे, कहाँ को पहले लिख देंगे, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, देख लीजिए बेटा, वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, ठीक है, या तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा पास्ट टेंस देखते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा क्या है, सिंपल, वाक्य के अंत आखिरी में क्या होगा, रहा था, रही थी या रहे थे, ठीक है ना, रहे थे, आता है, तब कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वे कल वे कल स्कूल जा रहे थे, ठीक है, वे कल स्कूल जा रहे थे, मैं कल पढ़ रहा था, ठीक है, तुम मेरा काम कर रहे थे, ठीक है, ये हो गए तीन सेंटेंस, ये हो गए। अब उसमें क्या है, अब इसमें देखिए, इसके रूल्स देखिए, रूल्स क्या है इसमें, देखिए बेटा, अगर क्या है, आई ही शी इट, ठीक है ना, या किसी का नाम है, नेम, तो उसमें क्या लगेगा बेटा, उसमें लगेगा वॉज प्लस आई एन जी, क्या लगेगा, वॉज प्लस आई एन जी, ठीक है, वॉज प्लस आई एन जी, बाकी रूल वही होंगे, कैसे, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी
प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, यू और प्लूरल, प्लूरल्स, ठीक है ना, प्लूरल्स जो भी होंगे तो उसमें क्या लगेगा, वर, क्या लगेगा, वर प्लस आईएनजी, ठीक है, रूल यही होंगे दोनों के, दोनों के रूल क्या होंगे, यही होंगे, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए सेंटेंस बनाइए, वे कल स्कूल जा रहे थे, तो क्या होगा, दे वर, दे वर गोइंग टू स्कूल, कब, यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। अब देखिए, मैं कल पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, ठीक, तुम मेरा काम कर रहे थे, यू वर डूइंग माई वर्क, ठीक है। देखिए इतना समझ में आ रहा है, इसमें क्या है बेटा, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इज एम आर प्लस आई एन जी, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है बेटा, इज एम आर आई एन जी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर प्लस आई एन जी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तुम मेरा काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, तुम मेरा काम नहीं कर रहे थे, मैं तुम्हारा पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे, नॉट कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पे, गिन के तीसरे नंबर पे लगा दीजिए, जैसे यू वर नॉट, तुम मेरा काम नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट डूइंग माई वर्क, डूइंग माई वर्क, बेटा समझ में आ रहा है, मैं तुम्हारा पत्र नहीं लिख रहा था, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट राइटिंग योर लेटर, आई एम नॉट राइटिंग योर लेटर, ठीक है बेटा। देखिए आ रही ना बात समझ में, तीसरे नंबर पे नॉट लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, वॉज वर पहले आ जाएगा, सिंपल वर पहले आ जाएगा। देखिए, क्या वह मेरा काम कर रहा था, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर, ही के साथ वॉज लगेगा, वॉज पहले लिख लीजिए, वॉज ही डूइंग माई वर्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वे क्या खेल रहे थे, ठीक है ना, एक हो गया जो क्या से शुरू होता है, एक हो गया डब्ल्यू एच टाइप, तो क्या होगा, डब्ल्यू एच टाइप को आगे लिख देंगे तो क्या हो गया, क्या क्या हो जाएगा यहां पे, वॉट, वॉट दे, प्लूरल है तो वर लगेगा, दे वर, वॉट वर, वॉट वर दे प्लेइंग, वॉट वर दे प्लेइंग। देखिए बेटा इस तरीके से कितने भी कैसे भी सेंटेंस होंगे आप लगा लेंगे, रूल्स आपको याद होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप जितने भी सेंटेंस होंगे, जैसे भी होंगे, सब आप लगा लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसी में क्या होगा, इसी में अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लें, ठीक है,
इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर हम इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ले लें तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, डब्ल्यू एच टाइप प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। कितना लंबा लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ये बहुत शॉर्ट आपको बहुत अच्छे से, तो ये बहुत शॉर्ट में आपको बताते हैं, ये देखने में लंबा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत आसान है। जैसे क्या वे मेरा काम नहीं कर रहे थे, क्या वे मेरा काम नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर दे नॉट, वर दे नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन मार्क। अब वे तुम्हारा काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, क्यों, पहले लिखेंगे why were they not doing your work। ठीक है, देखिए बेटा इतना समझ में आया, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंस हो गए। ठीक है, देख लीजिए अब इसमें आपको सब समझ में आ गया। एक बार इसके रूल्स ये देखिए, इसमें खाली आपको नॉट कहाँ लगाना है, तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है, ये देखिए तीसरे नंबर पे आपको निगेटिव वाले में नॉट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव वाले में क्या करना है, वॉज वर्ब को आगे ले जाके लगा देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आगे लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, नॉट ये इसी नंबर यहीं पे पोजीशन पे रहेगा, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, क्या होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, आता है तब वहां पर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, यानी कि गा गी गे हो प्लस रहा रही रहे हो। ठीक है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, राधा कल इस समय खाना बना रही होगी, तुम कल स्कूल जा रहे होगे, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बेटा, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको सभी को पता है। ठीक है, विल और शैल लगाना, विल बी शैल बी लगाना है। ठीक है, विल बी शैल बी, आई और वी के साथ बेटा क्या लगता है, शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, सब कहीं विल ही लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल से ही सारे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे
राधा कल इस समय खाना बना रही होगी. सब्जेक्ट विल बी प्लस आईएनजी, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट राधा विल बी कुकिंग द फूड tomorrow at this time. कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा बेटा, अगर आपको बनाने का तरीका पता है तो आप उसको कर ले जाएंगे. तुम कल स्कूल जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूंगा, आई विल बी राइटिंग राइटिंग अ लेटर. ठीक है, ये देखिए. अब इसमें भी अगर नॉट लगाना है तो गिन के तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे. ठीक है, जैसे कल राधा इस समय खाना नहीं बना रही होगी, खाना नहीं बना रही होगी तो क्या हो जाएगा, राधा विल नॉट. ठीक है, विल नॉट बी कुकिंग द फूड. तुम कल स्कूल नहीं जा रहे होगे, तुम कल स्कूल नहीं जा रहे होगे तो क्या हो जाएगा, गिन के लगा दे, यू विल नॉट बी. ठीक है ना, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, आई विल नॉट बी. ठीक है, आई विल नॉट बी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, इंट्रोगेटिव में बेटा क्या करेंगे, क्या कल राधा इस समय खाना पका रही होगी, तो विल और शैल को आगे कर लें, विल राधा बी. ठीक है, विल राधा बी कुकिंग द फूड. ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो विल राधा नॉट बी कुकिंग द फूड. ठीक है, नॉट अपनी प्लेस पे रहेगा, विल और शैल आगे आ जाएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें.